नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपको हरिजन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। अपना ये जो नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है मेजरमेंट ऑफ सरफेस फिनिश, इसमें आज तक अपने तीन तीन टॉपिक कवर कर लिए, जैसे इंट्रोडक्शन का पॉइंट हुआ, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस फिनिश हुआ, उसके बाद रीज़न टू कंट्रोल द सरफेस फिनिश। ये तीन टॉपिक कवर हुए। आज ये नया टॉपिक स्टार्ट होना है कि ऑर्डर्स ऑफ ज्योमेट्रिकल एरर। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ऐसा एक कमेंट अगर आप कमेंट डाल देते हो तो मुझे और थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि चलो और आप स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छे से वीडियो बनाऊँ। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेरे एक हर एक वीडियो पर आपको जो भी कुछ लगा, अच्छा बुरा वो कुछ भी लगा, आप वीडियो में डाल सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। कि जैसे आपको पता है, कोई भी मशीनिंग प्रोसेस है तो मशीनिंग प्रोसेस में क्या होता है कि आप क्या करते हो, कटिंग टूल से आपका जो वर्कपीस के ऊपर का जो मटेरियल है वो निकालते हो, ठीक है। लेकिन ये जब कटिंग टूल से आप वर्कपीस के ऊपर का जो मटेरियल निकाल रहे हो, कंसिडर करिए कि आपका जॉब है, ये आपने लेथ मशीन के हेड स्टॉक में पकड़ा है और ये आपका कटिंग टूल है। तो इससे आप जब जॉब निकाल रहे हो तो जो आइडल कंडीशंस होने चाहिए वो होंगे ही नहीं, मतलब वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे ये बोल ही नहीं। जैसे जैसे कि आपका स्पीड क्या है, फीड क्या है, डेप्थ ऑफ कट क्या है, कूलेंट क्या है, ये सारे जो आइडियल कंडीशंस है वो अगर वहाँ पे नहीं रहेंगे तो क्या होगा, आपका जो जॉब है वो क्या होगा, वो ज्योमेट्रिकल फॉर्म से डिफ़र हो जाएगा और उसमें कुछ इररेगुलरिटीज आएंगी। तो जैसे डिज़ाइनर बोलेगा वैसे तो आपके आपके जॉब पे सरफेस फिनिश आने वाली है नहीं है। तो फिर उसको क्या किया, उसको जो सरफे जो डिफ़र हुआ आपका जॉब, उसको क्या किया, कुछ इसमें कैटेगराइज किया है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि ऑर्डर्स ऑफ ज्योमेट्रिकल इररेगुलरिटीज़। तो फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर, ऐसे चार इसमें क्या किया है, इसको डिवाइड किया है। तो मैंने इसको एकदम शॉर्ट में लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी एग्ज़ाम के टाइम आप इसको लिख सकते हो। तो जाते हैं फर्स्ट ऑर्डर की तरफ। तो मैंने यहाँ लिखा है मशीन इट्सेल्फ। जो फर्स्ट ऑर्डर रहता है आपका वो क्यों आता है कि आपके अगर मशीन में ही कुछ प्रॉब्लम है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर गाइडवेज। गाइडवेज पता है आपको, एक एग्ज़ाम्पल आपने जो मशीन देखी है रूटीन में वो बता देता हूँ। लेथ का लेथ मशीन पे जो टेल स्टॉक रहता है, आप जिसको आगे पीछे लेके जा सकते हो, तो वो जिस पे स्लाइड करता है उसको क्या कहते हैं, गाइडवेज कहते हैं। गाइडवेज अलग अलग टाइप के रहते हैं, फ्लैट गाइडवेज, वी गाइडवेज, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लैट एंड वी गाइडवेज, ऐसे रहते हैं। तो अगर गाइडवेज जो है आपके, अगर वो स्ट्रेट नहीं है, वो थोड़े से ऐसे क्रॉस है, तो जो जॉब मैन्युफैक्चर होगा तो उसमें भी कुछ डिफरेंस आएगा, तो उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। उसके बाद डिफॉर्मेशन, अगर आप वर्कपीस को मैन्युफैक्चर करते टाइम आपने टूल ने उसको क्या किया, थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करके तो उसको डिफॉर्म किया, तो वो डिफॉर्मेशन भी उसमें ही आता है फर्स्ट ऑर्डर में। फिर वेट, अगर आपका जो जॉब है उसका वेट खुद ज़्यादा है और वो वेट की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो फर्स्ट ऑर्डर में जाता है। फिर उसके बाद है सेकेंड ऑर्डर, उसमें आता है वाइब्रेशन। अगर आपके मशीन में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है तो वो किस, और उसकी वजह से क्या आते हैं आपके जॉब पे, क्या आते हैं, चार्टर मार्क्स आते हैं। मैं देखता हूँ अगर गूगल में इमेज मिला तो मैं आपके वीडियो में डाल दूँगा, नहीं तो। फिर उसके बाद है थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर क्या है कि आपका मशीन भी अच्छा है, उसके मतलब गाइडवेज वगैरह सब अच्छे है, उसमें मशीन में कुछ वाइब्रेशन भी नहीं है। फिर ठीक है, मशीन अच्छी है, वाइब्रेशन नहीं है, फिर वो क्या होता है कि आपकी जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस से आप जॉब मैन्युफैक्चर कर रहे हो, अगर उसमें कुछ कैरेस्टिक्स में चेंजेस आए, कैरेस्टिक्स ऑफ द प्रोसेस, तो उसकी वजह से क्या होते हैं, फीड मार्क्स आते हैं। वो फीड मार्क्स का भी मैं इमेज देखता हूँ, अगर मिला तो मैं डाल दूंगा, नहीं तो फिर आपको वो इमेजिन करना पड़ेगा। फीड मार्क्स आते हैं, उसको क्या कहते हैं, थर्ड ऑर्डर। उसके बाद है फोर्थ ऑर्डर। फोर्थ ऑर्डर में क्या होता है, रप्चर। जब आप टूल से जॉब को मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो वहाँ पर जो रप्चर होता है उसको फोर्थ ऑर्डर में होता जाता है वो। तो फोर्थ ऑर्डर इररेगुलरिटीज इंक्लूड दोज अराइजिंग फ्रॉम द रप्चर ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग द सेपरेशन ऑफ चिप। जब आप इसको ऐसे इससे निकाल रहे हो तो क्या होता है, एक ऐसे चिप निकलता है, और फिर वो चिप निकलते टाइम जब जॉब का रप्चर होगा वो फोर्थ ऑर्डर में है। द इररेगुलरिटीज ऑन द सर्फेस ऑफ द पार्ट प्रोड्यूस कैन ऑल्सो बी ग्रुप्ड इंटू टू कैटेगराइज। एक होता है प्राइमरी टेक्स्चर, एक होता है सेकेंडरी टेक्स्चर।